तो गाइज आज के स्टूडियो में हम सब फिर से वापस आ गए हैं उस एपिसोड में, उस टॉपिक में, इसमें हम लोग बात करते हैं MIUI के सिस्टम एप्लीकेशन की और उसमें जो भी फीचर्स देखने को मिलती है उसी फीचर्स के बारे में हम सब बात करते हैं। मैं डिस्कस करता हूँ, आप लोगों को बताता हूँ और वो एपिसोड आप लोगों को काफ़ी पसंद है और आप लोगों की काफ़ी सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैं MIUI के सिस्टम एप्लीकेशन अपडेट के ऊपर वीडियो बनाऊँ। तो फाइनली मैं आ गया हूँ आज इस वीडियो में, आप सबको कुछ एप्लीकेशन के अपडेट के बारे में बताऊँगा, कुछ फीचर्स के बारे में बताऊँगा। तो देख सकते हैं मैं यहाँ पर पोको X2 का डिवाइस यूज़ कर रहा हूँ और इसमें आप लोगों को सुपर वाल पेपर की सपोर्ट देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर आप लोगों को कुछ एप्लीकेशन की अपडेट देखने को मिल जाती है, सुपर वाल पेपर, सिक्योरिटी एप्लीकेशन, फाइल मैनेजर, गैलरी। सब एप्लीकेशन में जो अपडेट देखने को मिली, जो फीचर्स देखने को मिली उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो जैसा कि फ्रेंड्स, अगर मैं आप लोगों को दिखा दूँ कि MIUI 12 की अपडेट में आज सुपर वाल पेपर में एक नई अपडेट देखने को मिली है, नई प्लैनेट्स सैटर्न प्लैनेट जो है उसको ऐड किया गया है, जो सिर्फ ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वाले जो डिवाइसेस है जैसे रेडमी K20 प्रो वगैरह डिवाइसेस में काम करता है। लेकिन दोस्तों उसे मैंने अपने पोको X2 यानी जो नॉन सपोर्टेड डिवाइसेस है उसमें भी मैंने इंस्टॉल करके दिखाया। तो अगर मैं यहाँ पर आपको दिखा दूँ यहाँ पर, तो आप लोगों को रेडमी K20 प्रो देखने को मिल जाता है जिसमें ऑफिशियली सुपर वॉलपेपर की सपोर्ट देखने को मिलती है। और जैसा कि रेडमी K20 प्रो में हमें ऑलवेज ऑन डिस्प्ले की सपोर्ट देखने को मिलती है, तो ये जो सुपर वॉलपेपर देखने को मिलता है सैटर्न वाली या फिर कोई भी सुपर वॉलपेपर, तो उसमें आप लोगों को ऑलवेज ऑन डिस्प्ले की जो स्क्रीन है वहाँ पर भी थीम देखने को मिलती है, वॉलपेपर देखने को मिलता है। तो जो डिवाइसेस ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को सपोर्ट करता है उसमें आप लोगों को ये एक्स्ट्रा फीचर देखने को मिल जाएगा, लेकिन जो डिवाइसेस में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले सपोर्ट नहीं करता उसमें आप लोग होम स्क्रीन और लॉक स्क्रीन वाली वॉलपेपर को इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ। अगर आप लोग अपने फ़ोन में उसे इंस्टॉल करना चाहते हैं, सुपर वॉलपेपर को इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो वो वीडियो को ज़रूर आप लोग चेकआउट कर लेना। और दोस्तों ये जो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में आपको स्क्रीन देखने को मिलता है ये डायनामिक यानी दिन के टाइम में ये दिन रहेगा और रात के टाइम में ये नाइट या डार्क रहेगा। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर लॉक स्क्रीन, होम स्क्रीन, AOD, हर जगह आप लोगों को काफ़ी कूल एनिमेशन या इफेक्ट देखने को मिल जाता है। अगले सिस्टम एप्लीकेशन की दोस्तों बात कर लेते हैं, तो वो देखने को मिलता है सिक्योरिटी एप्लीकेशन में। तो दोस्तों जैसा कि जो बैंड एप्लीकेशन है क्लीन मास्टर का, जो क्लीनर है वो हमारे डिवाइसेस में इंडिया में बैन होने के बाद भी यूज़ होता था, तो फाइनली आज सिक्योरिटी एप्लीकेशन में आप लोगों को एक अपडेट देखने को मिलता है। उस अपडेट के बाद जब आप लोग क्लीनर में जाएंगे, उसके डेफिनेशन को चेक करेंगे, तब उस डेफिनेशन में आप लोगों को क्लीन मास्टर जो बैंड एप्लीकेशन है उसकी डेफिनेशन देखने को नहीं मिलती। तो फाइनली आज इंडिया में जो बैंड एप्लीकेशन है क्लीनर वाली, उसे यहाँ पर रिमूव कर दिया गया और बाकी देखते हैं जब कब अपडेट आता है बाकी बैंड एप्लीकेशन को रिमूव करने के लिए। तो सिक्योरिटी एप्लीकेशन की बात कर लेते हैं, वर्सन की बात कर लेते हैं, तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। और सभी एप्लीकेशन की लिंक, सभी की डाउनलोड की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा, तो आप लोग वहाँ पर जरूर चेकआउट कर लेना। अगले सिस्टम एप्लीकेशन की दोस्तों बात कर लेते हैं, तो वो आपको देखने को मिलता है फाइल मैनेजर। तो जो मी की फाइल मैनेजर देखने को मिलती है उसमें काफ़ी प्राइवेसी और हिडन फीचर देखने को मिलती है, जिसमें से एक नई फीचर देखने को मिल जाती है जब आप लोग किसी भी फोल्डर को या फिर किसी भी फाइल को जब आप लोग मूव करेंगे, तो उसमें आप लोगों को एक मेक प्राइवेट बोल का एक फोल्डर आता है, यानी आप लोग उसे प्राइवेट कर सकते हैं। आप लोग किसी भी अपनी इंपॉर्टेंट डाटा को यहाँ पर प्राइवेट कर सकते हैं, उसे हाइड कर सकते हैं, यानी प्राइवेसी उसमें ऐड कर सकते हैं। अब दोस्तों अगली अपडेट की बात कर लेते हैं, तो ये मेरा फेवरेट है, एक सुपर वॉलपेपर मेरा फेवरेट और ये गैलरी वाली जो एप्लीकेशन, इसकी अपडेट ये मुझे फेवरेट है। तो इस गैलरी वाली एप्लीकेशन में दोस्तों काफ़ी सारे नए फीचर देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहले आप लोगों को स्काई फिल्टर देखने को मिलता है और इस स्काई फिल्टर में आप लोगों को एस्ट्रोनो फोटोग्राफी देखने को मिल जाता है। जिस तरह से आप लोग एस्ट्रो फोटोग्राफी वगैरह करते हैं, उस तरह से आप लोग अपने किसी भी फोटोज़ की इफेक्ट में, इसमें आप लोगों को क्लाउड या स्काई वगैरह देखने को मिलता है, उसमें आप लोग एस्ट्रो फोटोग्राफ की एडिटिंग वगैरह कर सकते हैं, कूल इफेक्ट डाल सकते हैं। जो आपके गैलरी एप्लीकेशन की अगर आप एडिट में जाने के बाद फिल्टर में जाएंगे, स्काई फिल्टर में जाएंगे, तो वहाँ पर देखने को मिल जाता है, जो काफ़ी यहाँ पर कूल है। उसके बाद दोस्तों अगर अगले चेंजों की बात करें, तो वो भी आपको गैलरी में देखने को मिलता है। अब आप लोग किसी भी पेज की स्क्रीनशॉट लेते हैं, तो आप लोग यहाँ से उस स्क्रीनशॉट में अपने डिवाइस की यहाँ फ्रेम को ऐड कर सकते हैं। तो देख सकते हैं मैं यहाँ पर पोको X2 यूज़ कर रहा हूँ, जहाँ पर आप लोग को साइड में आप लोग को डुअल पंच होल कैमरा देखने को मिलता है, तो सेम डिवाइस फ्रेम आपको देखने को मिल जाता है। सिंपली आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट पर टैप करना है, एडिट मोड में जाना और आप लोगों को यहाँ पर ऊपर में ऐड फ्रेम बोल कर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। सिंपली आप लोग उस पर टैप करना है, जब आप लोग फर्स्ट टाइम करेंगे तो आपके फोन में वो फ्रेम डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद आप लोग इजीली यहाँ पर कर सकते हैं। तो देख सकते हैं मैं K20 प्रो में यहाँ स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ, मैं स्क्रीनशॉट पर टैप करता हूँ, एडिट मोड में जाता हूँ, तो आप लोग को यहाँ पर एक ऊपर में ऐड डिवाइस फ्रेम की ऑप्शन देखने को मिल जाती है। जब उस पर टैप करेंगे तो आपके डिवाइस की यहाँ पर फ्रेम देखने को मिल जाती है, जो काफ़ी डिवाइस के लुक को यहाँ पर इन्हांस कर देती है, काफ़ी इंप्रूव कर देती है। तो दोस्तों एक देख सकते हैं कुछ ऐसा से इफेक्ट हमारे डिवाइसेज में देखने को मिलता है। इसके अलावा दोस्तों बात कर लेते हैं अगले चैनलों की, तो वो भी आप लोगों को गैलरी में देखने को मिलता है। अब दोस्तों गैलरी में आप लोग किसी भी टेक्स्ट वाले फ़ोटो को आप लोग टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो करंटली ये एप्लीकेशन, ये वाली अपडेट अभी इंडिया वाले या फिर ग्लोबल वाले रोम में काम नहीं करता है। अगर आपके फोन में EU रोम इंस्टॉल है तो आप लोग वहाँ पर देख सकते हैं। देख सकते हैं ये वाली जो आपको APK वर्जन देखने को मिलती है, इसमें आप लोगों को चेंज देखने को मिल जाता है। जो 5 नंबर पॉइंट आपको देखने को मिल रहा है उसमें क्लियरली मेंशन किया गया है, आप लोग किसी भी फोटो जिसमें टेक्स्ट होता है उसे आप लोग टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी OCR में कन्वर्ट कर सकते हैं।